नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं पूजा शर्मा। सांसद गजेंद्र पटेल के बिगड़े बोल। दरअसल खंडवा खरगोन सांसद का भड़काऊ बयान सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, खरगोन से सांसद गजेंद्र पटेल का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में भड़काऊ बयान देते हुए वो दिख रहे हैं। गजेंद्र पत्थर का जवाब बड़े पत्थर से देने की बात इस बयान में कहते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद उनका ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। खरगोन से सांसद गजेंद्र पटेल का वीडियो वायरल हो रहा है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे, भड़काऊ बयान उनका सामने आया है। सांसद गजेंद्र पटेल के बिगड़े बोल। दरअसल खंडवा खरगोन सांसद का भड़काऊ बयान, खरगोन से सांसद गजेंद्र पटेल का वीडियो वायरल हुआ है। क्या बयान उनका आया है आपको सुनाते हैं। हम धर्म के आधार पर जीते हैं और अगर आपने पत्थर बरसाए हैं तो हम भी संत सनातन धर्म के लोग हैं। पत्थर तुमने बरसाए हैं, हम बड़े पत्थर, इनका जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार रहना। हम धर्म के आधार पर जीते हैं और अगर आपने पत्थर बरसाए हैं तो हम भी संत सनातन धर्म के लोग हैं। पत्थर तुमने बरसाए, हम बड़े पत्थर, इनका जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार रहना। हम धर्म के आधार पर जीते हैं और अगर आपने पत्थर बरसाए हैं तो हम भी संत सनातन धर्म के लोग हैं। पत्थर तुमने बरसाए, हम बड़े पत्थर, इनका जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार रहना। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, देखिए पत्थर का जवाब बड़े पत्थर से देने का बयान अब इनका काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, इस पर क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? देखिए, स्वाभाविक रूप से ये बयान पूरी तरह गैर जिम्मेदाराना बयान है और ऐसे समय जब सभी लोग इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि अब खरगोन में जो है वो शांति हो, उस समय मेंबर पार्लियामेंट का इस तरह का बयान आना जिसमें वो पत्थर का जवाब पत्थर से देने की बात कर रहे हैं, तो इस मामले को लेके अब कांग्रेस जो है वो आने वाले समय में आपको हमलावर दिखाई देगी। भाई, भाजपा के पास का कोई जवाब नहीं है क्योंकि सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि अब खरगोन में जो है वो शांति बहाल हो। कर्फ्यू में भी अब जो है वो 8 से 10 घंटे की ढील दी जा रही है, लेकिन ये बयान जो है वो लोगों को उकसाने वाला बयान है, इसलिए इसको लेके जो है वो अब भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या बोलते हैं सामने आएगा। लेकिन कांग्रेस इसको लेके हमलावर हो रही है क्योंकि इस तरह का बयान आना, कांग्रेस के प्रवक्ता ने इसको ट्वीट भी कराया और कांग्रेस इस मामले को उठा रही है कि बीजेपी के नेता ही दंगे भड़काने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए हम देख रहे हैं खरगोन में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, एक तरीके से शांति खरगोन में अब नजर आ रही है। ऐसे में अगर सांसद ऐसे बयान देंगे तो एक बार फिर से खरगोन में जो शांति है उसको भंग करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, स्वाभाविक रूप से अब सबका यह प्रयास है, सरकार का भी प्रयास है, वहां प्रशासन भी ये प्रयास कर रहा है कि खरगोन में जो स्थिति है शांति की स्थिति बने और जो पहले की स्थिति थी खरगोन जिस तरीके से जिला चल रहा था वैसा बहाल हो, स्थितियां वहां पर जो है स्कूल खुले, ऑफिस ठीक से लगे, व्यापारी अपना व्यापार करें। लेकिन अभी भी लगातार इस तरह की घटना हो रही है, एक तरफ सांसद उकसाने वाला बयान दे रहे हैं, वहां पर जो है वो कई धार्मिक स्थलों में शपथ दिलाई जा रही है कि आप विधर्मियों के सामान ना खरीदें, तो अभी भी जिसे कहेंगे कुछ लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि अभी भी खरगोन में शांति ना हो पाए, जो जिसे माना जा सकता है कि बड़ी गैर जिम्मेदारी की बात है कि एक तरफ सरकार ये प्रयास कर रही है कि शांति हो, दूसरी तरफ भाजपा के ही नेता जो है वो शांति बहाल नहीं होने दे रहे। तो क्या अभी तक किसी भी बीजेपी के नेता का बयान इस बीच इस वीडियो के बाद सामने नहीं आया है? देखिए, बीजेपी के अभी नेताओं का इस पर बयान नहीं आया क्योंकि अभी सभी लोग कह रहे हैं कि हम इसकी पुष्टि करेंगे या सांसद से बात करेंगे, लेकिन अभी खुल के कोई इस बारे में जो है बोलने की स्थिति में जैसे कहें कि नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ी देर में जो है वो अभी गृह मंत्री की जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो हो सकता है उसमें गृह मंत्री की कोई बात इसमें सामने आए। क्या विपक्ष की तरफ से जितेंद्र कोई कार्रवाई की मांग उठी है अपने बयानों में? देखिए, विपक्ष इसकी मांग कर रहा है, कांग्रेस के जो प्रवक्ता लोग हैं वो इसको ट्वीट कर रहे हैं और लगातार ये मांग कर रहे हैं खरगोन सांसद पर कार्रवाई की जाए। तो पत्थर का जवाब बड़े पत्थर से देने की यहाँ पर गजेंद्र ने ये बात कही है, सांसद गजेंद्र पटेल ने। ऐसे में उनके बोल जो है बिगड़ते हुए नजर आए। खरगोन में हम देख रहे हैं कि हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं जितेंद्र, लेकिन उसके बाद भी ऐसे बयानबाजी का खेल शुरू हो रखा है और सियासत इस मामले पर कितनी गर्मा गई है? देखिए, स्वाभाविक रूप से ये बात शुरू से कही जा रही थी कि जो खरगोन में जो दंगा हुआ है, जो खरगोन में जो हिंसा हुई, उसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रशासन की भी चूक है और उन नेताओं की भी गलती है जो इस तरह की भड़काऊ बयान देते हैं। तो
अब जब स्थिति सुधर रही है और जो स्थिति, ठीक है जितेंद्र, ठीक है आपके पास आएंगे। नेहा बग्गा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई है। नेहा बग्गा जी, क्या कुछ कहेंगी, ये जो बयान इसको आप किस तरीके से देखती है? बहुत स्पष्ट है कि बातें सांकेतिक होती हैं और वही तात्पर्य उनका भी है। कानून से बड़ा पत्थर कुछ हो नहीं सकता और कानून से बड़ी कार्रवाई कुछ हो नहीं सकती। और आप देख रही हैं कि जिस तरीके से चाहे जमींदोज करने की कार्रवाई हो, चाहे एफआईआर दर्ज करना हो, चाहे एनएसए लगाना हो, सभी समय समय पर कार्रवाई की गई है। अपराधों को देखते हुए पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है और वही सर्वोपरि है। नेहा बग्गा जी, जिस तरीके से गजेंद्र पटेल जी यहाँ पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पत्थर का जवाब बड़े पत्थर से देंगे, तो वो जो पत्थर की बात हो रही है, अगर सुरक्षा व्यवस्था खरगोन में सख्त होती तो वो पत्थर ही नहीं, पत्थरबाजी वहां पर देखने को नहीं मिलती। केके मिश्रा जी भी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं। केके मिश्रा जी, गजेंद्र पटेल के इस बयान को किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं, नहीं तो कोई भारतीय जनता पार्टी का सिरफिरा नेता कह देगा कि कांग्रेस दंगा भड़का रही है। इसलिए मैं स्पष्ट कर दूं कि दंगाई कोई भी हो, ये पार्टी का हमारा रुख है कि दंगाई कोई भी हो उसके खिलाफ निष्पक्ष एक्शन होनी चाहिए। आदरणीय नेहा बग्गा जी ने बड़ी सदी हुई बात कही है कि कानून अपना काम कर रहा है, तो कानून कैसा काम कर रहा है कि जिसके दोनों हाथ नहीं है उस पर तलवारबाजी का आरोप लगा है, जो कर्नाटका में उस पर दंगे का आरोप लगा है, जो अस्पताल में भर्ती है, जो जेल में भर्ती है, वो दंगाई है। तो ये पुलिस कार्रवाई कर रही है। और जहां तक गजेंद्र पटेल जी का प्रश्न है, गजेंद्र पटेल जी का यह भड़काऊ बयान पूरी तरह राजद्रोह की श्रेणी में आता है, क्योंकि उन्होंने संविधान की शपथ लिया है, संविधान की रक्षा की शपथ लिया है। और माननीय कमलनाथ जी ने कुछ दिनों पहले मीडिया से चर्चा करते हुए कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ही पूरे देश में दंगे भड़का रही है, तो चाहे वो प्रज्ञा सिंह ठाकुर हो या गजेंद्र सिंह पटेल हो, इन दोनों के बयान कमलनाथ जी के बयान मेल खाते हैं कि कौन लोग दंगे को उकसाने के जवाबदार हैं। अब देखते हैं माननीय गृह मंत्री जी क्या करते हैं, अब इन्हें राजद्रोह के समकक्ष लेते हैं कि पद्मश्री देने की सिफारिश करते हैं। नेहा बग्गा जी, क्या आप इस बयान का समर्थन करती हैं? देखिए, अगर आप क्रोनोलॉजी देखेंगी ना, तो केके मिश्रा जी को आप थोड़ा सा ध्यान दिलाइए पीछे ले जाकर कि ये दंगे जब शुरू हुए हिंदू नववर्ष से पहले, तो दो दिन पहले राहुल गांधी जी बाहर आए और उन्होंने कहा था कि हिंदू मुसलमान बट रहा है और हिंसा होने वाली है। उसके तत्काल दो दिन के बाद हिंदू नववर्ष पे हिंसा शुरू हो गई और वो जो पैटर्न चला वो एक के बाद एक हमने देखा कि देश भर में 12 जगहों पर और सेम पैटर्न हुआ है सब जगह पर। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री ने फोटोग्राफ डाली है और ट्वीट किया है झूठा, वो भी हम सब ने देखा कि दंगे भड़काने का काम कौन करता है। और सही समय पर उचित कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से की है वो भी सबने देखा है। दर्द ये है केके मिश्रा जी और उनकी पार्टी को कि जो तुष्टीकरण की नीति है उसमें इनके लिए जो पत्थर है वो तो सेक्युलर है, पर दंगाइयों पे कार्रवाई करना कम्युनल हो जाता है। उनके लिए वहां पर यह है कि अगर हिंदू नववर्ष बनाया जाता है तो वो कम्युनल है और दूसरा पक्ष अगर पत्थर फेंक रहा है तो वो सेक्युलर है। तो ये जो परिभाषाएं हैं, ये जो जनता को समझाना चाहते हैं सेक्युलर कम्युनल की, वो सामने आ रही है। जहां पर इनकी सरकारें हैं, राजस्थान में भी ये घटना घटी है जो कहीं नहीं घटनी चाहिए, वहां पर ये चुप्पी साध लेते हैं। मुख्य आरोपी अभी भी फरार है, एक शब्द ये लोग बोल नहीं पाएंगे मध्य प्रदेश में। नेहा बग्गा जी, हम अगर इस बयान की बात करें, इस वीडियो की बात करें गजेंद्र पटेल जी के, तो ऐसे में क्या बीजेपी के नेता इसका समर्थन कर रहे हैं या फिर इसके खिलाफ है? समर्थन करना और समर्थन ना करने का कोई सवाल नहीं है। सांकेतिक कई बातें कही जाती है और मैंने आपसे कहा कि मध्य प्रदेश में चाहे कोई छोटा पत्थर हो बड़ा पत्थर हो उसकी कार्रवाई जो है वो कानून सम्मत हो रही है। यहाँ पर सारी चीजें जो हैं वो पुलिस प्रशासन ने कानून सम्मत की हैं। तो जिन लोगों को ये रंगभेद में सेकुलर और कम्युनल दिखने लग जाती हैं आस्थाएं और दंगाई, ये उन लोगों के लिए चिंता का विषय जरूर हो सकता है, पर मध्य प्रदेश में रूल ऑफ लॉ है और ये उसी के अनुसार काम होता है। जी के मिश्रा जी, क्या कुछ कहेंगे? नेहा बग्गा जी हर घटना को लेकर राहुल गांधी से जोड़ती हैं, तो राहुल गांधी जी ने आदरणीय नेहा जी यह भी कहा था कि देश में कोरोना आने वाला है, तब आपके प्रधानमंत्री ने उसको गंभीरता से नहीं लिया था और लाखों मौत के जिम्मेदार आपकी सरकार है। नंबर एक, जो विषयांतर है जो आपने किया था उसका जवाब मैं दे रहा हूँ। और नंबर दो, आप ये बताइएगा कि
क्या आप गजेंद्र सिंह पटेल के इस बयान का समर्थन करती हैं? बात ये हो रही है, आप सॉफ्ट रास्ते से निकलने की कोशिश मत कीजिएगा। मैंने तो स्पष्ट कर दी कांग्रेस की पॉलिसी कि दंगाई कोई भी हो हम उसके खिलाफ है, मगर उस बात का भी जवाब दीजिए कि निष्पक्ष कार्रवाई सरकार आपकी कर रही है, प्रशासन कर रहा है, तो जिसके दोनों हाथ नहीं है वो क्या तलवारबाजी कर सकता है? जो कर्नाटका में है वो दंगाई हो सकता है, जो जेल में है 2 फरवरी से या 5 फरवरी से वो दंगाई हो सकता है? ये निष्पक्ष कार्रवाई है क्यों नहीं हो सकती? और आपके सांसद को आप बचाव कर रही हैं, आप इस पर कही तो उन्होंने गलत बोला है, सही बोला है, भाषण तो देती हैं आप। तो एक आदमी दूसरे प्रदेश में बैठ के दंगे क्यों नहीं करवा सकता? तो के मिश्रा जी, आप चश्मा आप लोगों ने सेक्युलर और कम्युनल का लगा के रखा हुआ है। राहुल गांधी ने तो कोरोना को लेकर भी कहा था, उस पर क्या कहेंगे? राहुल गांधी ने सदैव जो है धार्मिक उन्माद पैदा करने का काम किया है। कोरोना की संभावना को भी 2 महीने पहले राहुल गांधी ने बता दिया था, फिर इतनी मौत का जवाब कौन है आपके सरकार ने? कि आप कसीदे पढ़ रहे हैं उन्हीं कमलनाथ जी ने, हमारे तो डॉक्टर्स को कह दिया था कि कोरोना काल में डॉक्टर मुंह छुपा के घर पे बैठे हुए थे, आप किस कमलनाथ जी का यहाँ पे विषय लाना चाहते हैं? 84 उन्हीं कमलनाथ जी की बात कर रहा हूँ जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ठीक है। चलिए, बात दरअसल इस वीडियो की चल रही है और बात यह है कि आखिर इस वीडियो का समर्थन कौन क्या कुछ नहीं कर रहा। तो सांसद के बिगड़ते बोल पर अब सियासत गर्मा गई है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वही खरगोन सांसद गजेंद्र पटेल के इस बयान के बाद सियासत काफी ज्यादा गर्मा गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं।